और ये कुआं यू यूज करते थे अपने समय में जब थे यहाँ पर। क्या उड़ रहा है ये? सभी को जय श्री राम। तो कल का जो मेरा नाइट स्टे था नेलाकोंडा पल्ली के हनुमान मंदिर में था, और नेलाकोंडा पल्ली वही गांव है जहां पर रामदासु जी का जन्म हुआ, जो साउथ के बहुत बड़े राम भक्त कहे जाते हैं, जिस तरीके से नॉर्थ में तुलसीदास जी को माना जाता है, बहुत बहुत मानते हैं यहाँ के लोग। सबसे पहले यहाँ पर रामदासु जी का टेम्पल घूमने जा रहा हूँ मैं। अना रामदासु टेम्पल, रामदासु टेम्पल, हाँ 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 रामदासु गुड़ी, हाँ हाँ रामदासु गुड़ी इधर जाओ। हाँ ये है रामदासु जी का पल, रक्षा पादम बार आया, रक्षा पादम। अच्छा वो फोन कट तो बाबा जी मुझे काफी चीज बताते हैं कि जो कि मैं आपको पहले भद्राचलम वाले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से वो नीलाकोंडी पल्ली गांव से जाते हैं भद्राचलम एज अ रेवेन्यू ऑफिसर की तरह। उस वक्त जो शासन हुआ करता था वो अब्दुल शाह का शासन था, उस वक्त जो एम्पायर था वो गोलकोंडा एम्पायर का। तो मैंने आपको भद्राचलम में पूरा वीडियो में बताया कि किस तरीके से उनका योगदान था भद्राचलम टेम्पल बनाने के पीछे, और साउथ वालों के लिए वो एज अ मैं उनकी तुलना तुलसीदास जी तो नहीं कर सकता क्योंकि सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, ये अपना अपना योगदान होता है। तो जिस तरीके से मतलब नॉर्थ के लोग तुलसीदास जी को पूछते हैं, उसी तरीके से साउथ के जो लोग हैं वो रामदासु जी को यहाँ पर पूछते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी मुझे काफ़ी कुछ दिखाते हैं। इधर रामदासु जी का ये स्टैचू वहाँ पर भी मैंने देखा था भद्राचलम के पास, और ये कुआँ यूज़ करते थे अपने समय में जब थे यहाँ पर वो जीवित, 17th century की बात है। ओहो जय श्री राम, रामदासु जी चलिए मेरे भक्त, दर्शन प्राप्त हुए आपके। ये पूरा गांव है उनका। तो इसी गांव में मैं लगभग 3-4 मंदिर देख लिया मैंने, और 2 मस्जिद देखा मैंने। वैसे लोग यहाँ के घुल मिल के रहते हैं, देखा है मैंने कि साउथ में लोग घुल मिल के रहते हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है कि क्यों अलग कम्युनिटी के जो इतना आतंक नहीं मचाते इधर हमारे यूपी बिहार एमपी में, पता नहीं कितना आतंक मचाते हैं। ये है चौराहा या नेलाकोंडा पल्ली का, मुझे जाना इधर है। किसी ने मुझे दही खाने के लिए दे दिया, जाओ दही पी लेना तुम, सही है। तो अन्ना मेरे लिए नारियल का पानी लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना, ठीक है ना। जय श्री राम अन्ना। అక్కడికి ఆయన వెళ్తుండు శ్రీరాములు వనవాసం ప్లేసెస్ అక్కడికి పోతున్నా ఆయన కొంచెం ఆ పర్ణశాల కంప్లీటెడ్ అన్న అదే అది అయిపోయిందంట కంప్లీట్ చూసుకుంటా ఇప్పుడు అయోధ్య పోతుండే ఆయన అయోధ్య కంప్లీట్ చేసుకుని ఆయన మూవీ తీసుకుంటాడు ఉదర్స జాకో అభి కామైన అభి రుక్ జాతా రుక్ జాతా यहाँ लोग यहाँ रुके हुए मेरे लिए। बस है ना, अभी केवल 10:30 बजा है। रोडों का चौड़ीकरण, रोड बहुत तेजी से बन रहा है इधर, वैसे नेशनल हाईवे बन रहा है, पहले ये छोटा रोड था अब ये है। पहले कभी ऐसा नहीं की थी कोशिशें तुमसे मिलने की, तो नहीं ख्वाहिशें
यार, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके को बीम को ले जाते हैं फ्लाईओवर को बनाने के लिए। यूपी से? यूपी अयोध्या। हाँ, कितना दिन लगा अयोध्या का? 5 महीने। 5 महीने लग गए। रास्ते में खाना पीना सब चलते रहना है? हाँ, कभी लो कभी खुद से, कभी कुछ भी नहीं। डर नहीं लगता? बहुत रिस्की काम है ना। आप लोग कहाँ से? यूपी बिहार? झारखंड से। चलिए सही है। कौन सा नेशनल हाईवे भैया? पर्णमपल्ली। आप कहाँ के रहने वाले? आए लखनऊ। इधर अभी कहाँ जाएंगे? श्रीलंका। वाह यार, ये पहली बार मैं देखा हूँ यार, शेषनाग का इतना बड़ा, मतलब ये लुकिड यार। और ये पता, ये स्नेक का घर है। और वो देखिए, एक स्नेक मुझे दिख भी रहा है छेद में, लेकिन कैमरे की क्वालिटी मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि ये देखिए, आपको कुछ ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा होगा। ओ यार, इसमें सच में स्नेक है। और कैमरा नजदीक ले जाने में जो डर लग रहा है, सही बताऊं, इसमें सच में स्नेक है। इदी ग्रामा मना? भोजा गुड़ों तंडा। बिल्कुल तो ये क्या यार? क्या उड़ रहा है ये? ये मैं आ गया कोडाड। वैसे कोडाड मैं बोलता हूँ, लेकिन तेलुगु वाले शायद इसे कोडाड ऐसे कुछ बोलते हैं यार। मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, और मैं गलत हूँ वो सही है। तो ये जगह खोजू कहाँ मिलेगा। आज का जगह मुझे सोने के लिए है। ये थोड़ा सिटी वगैरह लग रहा है। बस अन्ना एनी गुड़ी है ना? गुड़ी है ना? आगे से ने? एंटा किलोमीटर है? हाफ किलोमीटर। हो गया ना यार, टेंपल वालों ने मना कर दिया मुझे। पेट्रोल टंकी पास गया था, वो भी मना कर दिया मुझे। अब देखते हैं कहाँ पर मुझे मिलेगा स्पेस। लगभग यार यही दिक्कत होती है। और ये जब से मैं तेलंगाना में आया हूँ ना, जब से एक रात छोड़कर मुझे हर रात के लिए, नाइट स्टे के लिए मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। कहीं कुछ मिलता नहीं है, इधर उधर सारा चीज़ बंद हो जाता है यार। टेंपल भी रहते हैं, टेंपल वाले भी मना ही कर देते हैं कि नहीं रुकना है तुम्हें। जमाली रोटी है ना, है ना का? ओके, इसमें बेलन का यूज़ नहीं करते उस तरीके का, वो बस चटनी के साथ रेडी रहेगा। तो लगभग 1 किलोमीटर और चलने के बाद मुझे मिलता है एक साई सीडी लॉज, और वहीं पर लगभग मैं स्टे करता हूँ 150 रुपीस में 2 दिन। तो कभी आप कोडाड की एयर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 150 रुपीस में बेड ले सकते हैं। चलते फिर।